हेलो एवरीवन, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी लोगों का तैयारी डिजिटल क्लासेज में स्वागत कर रहा हूँ। सिंप्लीफिकेशन में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 8। और कल की क्लास में आपने देखा कि पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन पर आधारित क्वेश्चंस, और आज कुछ और अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे उसी पर, फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर लगभग हम लोगों ने 107 तक कर लिया है, ठीक है। तो एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दें जिससे सभी लोग जुड़ जाएँ। और जैसा कि आपको बता दूं, ये क्लास आपका फेसबुक और यूट्यूब दोनों जगह लाइव हो रहा है, और जितने भी लोग हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं पेज पर, ठीक है, वहाँ पर आप पेज को ज़रूर आप लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। उसके अलावा जो लोग यूट्यूब पर हैं, तैयारी डिजिटल क्लासेज अगर यूट्यूब से जुड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि पुरानी जो क्लासेज हैं उनको देखना चाह रहे हैं, तो आप डायरेक्ट तैयारी डिजिटल क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल का नाम है, जहां पर आपकी सिंप्लीफिकेशन के जो पुराने लेक्चर हैं उनको देख सकते हैं। उसके अलावा आपकी इंग्लिश और जीएस हिस्ट्री की प्रैक्टिस भी आपकी मॉर्निंग में चल रही है, तो वो भी सारे चैप्टर्स अगर आपके छूट गए हैं तो उनको भी आप देख सकते हैं। तो सारे लेक्चर्स को देखते चलिए, और सबसे अच्छा तरीका ये है कि प्रैक्टिस के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि ऐसा दौर चल रहा है कि आपको अपना टच बरकरार रखना है। कि अगर पता चला कि आप सीरीज देख रहे हैं या बहुत कुछ देख रहे हैं, आप पढ़ाई पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम आएगा तो सीधी सी बात है, क्योंकि सारे एग्ज़ाम टल रहे हैं, और टलने स्वाभाविक सी बात है भाई, टलेगा ही टलेगा, क्योंकि बहुत ही तेज़ी से जो कोविड के केस हैं वो फैल रहे हैं। तो आप लोग क्या करना है, घर पर रहना है भाई, वाईफाई लगवा लीजिए, क्योंकि बहुत सारी क्लासेज अब आपकी लगने वाली हैं आने। इनफैक्ट आज 7:30 बजे आपका न्यूज़पेपर रीडिंग की भी क्लास चलने वाली है, तो सभी लोग जुड़े रहिए और आप जरूर ज्वाइन करना ना भूलिए, ठीक है। तो क्लासेस के लिए आपको क्या करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग फेसबुक पर हैं वहाँ उसको फॉलो कर लें, लाइक कर लें, जब भी हम लोग लाइव आएंगे तो वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और तैयारी आपको जारी रखनी है, रुकना नहीं है, ये नहीं कि अब एग्ज़ाम नहीं होने वाला है तो आप पढ़ाई नहीं करेंगे। यही एक अच्छा मौका है जहां पर आप अपनी तैयारी बरकरार रख सकते हैं, और इस तरीके इस लेवल से अपनी तैयारी कर सकते हैं कि आगे चलकर जब भी वैकेंसी या एग्जाम देने का मौका मिलेगा तो आप वहां पर काफ़ी अच्छा नंबर ला सकते हैं और रैंक ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग जुड़ चुके होंगे। तो आज का जो आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 107। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि पता है आपको, टाइमर के माध्यम से हम लोग सारी चीज़ें करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 107 तक हो चुका है, और क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 108, ठीक है। तो टाइम हम लोग यहां पर टाइमर लगना स्टार्ट किया जाए, और सभी लोग विद इन टाइम आप लोग बताएंगे। और ऐसे क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको बोला भी है, 1 से लेकर आपको देखिए टाइम स्टार्ट हो चुका है, 1 से लेकर आपको कोशिश करना है कम से कम 60 तक का स्क्वायर याद हो। और देखिए, अगर आपको रैंक लाना है या बहुत ही अच्छे नंबर लाने हैं, स्पीड बनानी है, तो रुकना नहीं है। ये नहीं कि 160 एक से लेकर 30 तक याद हो गया, 31 तक भी याद अगर हो जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको रुकना नहीं है। अगर आपको याद हो रहा है तो आप उसको याद करते चलिए, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। 1 से लेकर 60 तक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं पूर्ण वर्ग पर आधारित, जहाँ पर आप देखते ही बता देंगे, वहाँ पर कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। चलिए, फिलहाल ये क्वेश्चन आपके सामने है, और उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर आप बता चुके होंगे। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, चलिए तो रैपिड फायर चला जाए, और स्पीड में हम लोग सारी चीजें करेंगे और मजा आने वाला है, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस, और यहाँ पर आपकी स्पीड काफी जबरदस्त होने वाली है। पूरा खेल आपका याद करने, देखिए याद अगर है तब भी कर लेंगे, नहीं याद है तो वो तरीका भी हम लोग फॉलो करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कल, 3 पॉइंट्स आपको बताए थे पूर्ण वर्ग में, कि यूनिट प्लेस पे कभी भी आपका 2, 3, 7 और 8 नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगर यहाँ पर देखते हैं 710 और 29, अगर मैं जोड़ूंगा तो आएगा 739। फिर मैंने दूसरा जो आपको पॉइंट बताया था, कभी भी लास्ट डिजिट 39 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर में कहीं भी लास्ट डिजिट 39 नहीं आता, और मैं बोला था कि कभी भी कोई पूर्ण वर्ग संख्या बनता है तो 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर में जो भी लास्ट डिजिट आती है वही आता है, तो 39 तो कहीं आता ही नहीं, तो ये आपका बनेगा ही नहीं। 11 अगर मैं जोड़ूंगा तो 710 और 11 721 की भी अगर मैं बात करूं तो शायद ये आ सकता है,
ठीक है, 721 आपका लास्ट यूनिट आता है, तो इस पे ध्यान देंगे अभी आगे चलकर। लेकिन अगर याद होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर याद होगा तो आप देखते ही आंसर बता सकते थे 729, क्योंकि आपको याद है 729 किसका होता है, 27 का स्क्वायर होता है, क्योंकि आपको याद है 21 अगर जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 731 आएगा, 31 भी लास्ट यूनिट में नहीं आता। अब आगे यहाँ बढ़ते हैं, जो लोग याद नहीं किए मैं उन्हीं के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो ये क्वेश्चन तो भाई 2 सेकंड का था, 19 जोड़ा और आपका आंसर आ गया 729, और ठीक है, और आगे बढ़ गए, ठीक है। लेकिन अगर मैं मान लीजिए दो ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिया लास्ट यूनिट देखकर, लेकिन अगर मैं 11 जोड़ देता तो कितना आता, 721, ठीक है, 721 आता। और यहाँ पर आप डिजिटल सम भी अगर लगाते तो डिजिटल सम से भी नहीं बनने वाला था। मैंने क्या बोला, तीन केस मैंने बना रखे थे, बता रखे थे, तो यहाँ पर याद करना तो बहुत जरूरी है, वो आपको होना ही चाहिए। उसके अलावा जैसे कल की क्लास में अगर ध्यान होगा, कल आपका एक क्वेश्चन काफी अच्छा था और वहां पर हमने दूसरा मतलब चौथे लॉजिक पर काम किया, एक पैटर्न को नोटिस किया और वहां से आपने देखा था कि वहां पर आंसर क्या था, ठीक है। तो यहां पर भी देखिए 729 और 110 का डिजिटल सम क्या आएगा, 1, और 1 जब आता है तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर नहीं वाला होता तो 100% काट देते और आगे बढ़ जाते। तो यहां पर कोई लॉजिक इसका नहीं था, इसका मतलब इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से आपको करना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इसका आंसर क्या था, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, और पहले क्वेश्चन में जैसा कि आपको पता ही है थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और आगे बढ़ा जाए तो क्वेश्चन नंबर आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 109, सॉरी क्वेश्चन नंबर 109, ठीक है, ये शायद ये थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर आप इसको 109 रख लीजिएगा, 109 वही हम पूछ रहे हैं, 119 कहाँ से आ गया, क्वेश्चन नंबर 109 है और इसका आपको आंसर बताना है। पूछा है 50 और 1000 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं और आप इसका जवाब तभी तेजी से दे पाएंगे जब आपको सारी चीजें याद होंगी। तो आपका टाइम यहां पर स्टार्ट होता है इस क्वेश्चन का, और उम्मीद करते हैं कि आप फटाफट इसका आंसर दे रहे होंगे। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा, 50 और 1000 के बीच में कितनी ठीक है, कितनी आपकी संख्याएं होंगी। और यहां पर अगर ध्यान देखें, सर एक मिनट पिछला क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छा पूर्ण घन था, सॉरी मैं यहां पढ़ रहा था पूर्ण वर्ग, तो तब भी कोई बात नहीं, तब भी अगर आप ध्यान से देखें आपका आंसर वही है, क्या है 19 है, ठीक है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, मैंने यहां पर आपको पूर्ण वर्ग के अकॉर्डिंग मैंने सॉल्व कराया, अगर मान लीजिए पूर्ण वर्ग अगर पूछते तब भी आप कर लेते, लेकिन यहां दिया था पूर्ण घन, और पूर्ण घन भी आपका क्या होता है 729 ही होता है। तो 729 जो होता है ये भी काफी इंपॉर्टेंट नंबर है, जो कि पूर्ण वर्ग भी होता है, 27 का स्क्वायर है, और 729 जो होता है ये 9 का क्यूब भी है, मतलब ये आपका पूर्ण घन होने के साथ साथ पूर्ण वर्ग भी है, मतलब पूर्ण वर्ग वाली संख्या है। तो इसका आंसर 19 तब भी रहेगा, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा जो मैंने बताया है। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा और हो गया, ठीक है, पूर्ण वर्ग मैंने बताया तो एक क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा और हो चुका है, इसका आंसर बताइएगा फिलहाल, इसका आंसर क्या आएगा, 50 और 1000 के बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका आंसर आ जाना चाहिए आप लोगों का, और अगर याद है तो तुरंत आप आंसर कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर आ रहा है, बता रहे हैं सर 24, बहुत सही, ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक चीज देखिएगा, अब इसको करने का तरीका क्या है, जब आपको पहले तो पूर्ण वर्ग संख्या पता होनी चाहिए, जब पता रहेगा तभी आप कर पाएंगे। अब कुछ लोग क्या होता है कि 50 के बाद गिनना स्टार्ट करते हैं कि भाई 49 तो भाई इससे छोटा है, 7 का स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, फिर 9 का स्क्वायर, फिर 10 का स्क्वायर, ऐसे नहीं करना है आपको। भाई पता है कि जो भी यहाँ पर संख्याएं हैं, याद करने का देखिए यही फायदा है, अगर जो लोग याद किए होंगे, और मैंने पहले ही क्लास में शुरुआत में ही बताया कि 1 से लेकर 31 तक तो आपको हर हाल में याद होना चाहिए, बाकी तो जितना हो जाए, 60 तक याद हो जाए तो और अच्छी बात है, 100 तक हो जाए तो भाई और उससे भी अच्छी बात है, तो रुकना नहीं है, प्रैक्टिस करते रहना और स्पीड तभी बन पाएगी। तो बड़ा आसान था, अगर आप ध्यान से देखें 31 का स्क्वायर अगर आपको याद होता तो क्या होता है 961, और 32 का हो जाता है कितना 1024, भाई 1024 तो ज्यादा हो जाएगा, 1024 ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब 31 तक हमें यहां पर लेना है, तो 31 तक मुझे लेना है, ठीक है, 31 तक आपका संख्या पूरी आ जाएगी, 31 में मुझे क्या घटा देना है, भाई 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 7 बस आप घटा दो तो कितना जाएगा 24,
कितना जाएगा आपका, 24 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर जो होगा डी ऑप्शन होगा, इसका आंसर क्या होगा डी ऑप्शन होगा। मतलब 8 से लेकर 31 तक काउंट कर लीजिए, 8 से लेकर 31 तक अगर काउंट करेंगे, 30 तक अगर काउंट करेंगे 23, और 31 को एक अगर और जोड़ ले तो क्या हो जाएगा 24। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बड़ा क्लोज है, 21 22 23 24, आपके पास चारों ही ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। और सिंप्लीफिकेशन में आपको पहले ही बता दिया हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके बहुत सारे सेगमेंट मैंने ऑलरेडी बहुत सारे कुछ खत्म करवा दिए हैं, आने वाले समय में आपके सामने और बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। लगभग मैंने आपके सामने 109 क्वेश्चन हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 110 तक आ चुके हैं, और लगभग 200 प्लस क्वेश्चन, जितना भी मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूँ इससे बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आप जमकर प्रैक्टिस करिए, बाकी आपके जो दोस्त तैयार हैं उनको भी बताइए कि यहाँ पर आप तैयारी डिजिटल क्लासेस से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 110 पर आते हैं। और भाई सीधी बात है, टाइमर बिना तो काम ही नहीं चलेगा, स्पीड में आपको बताना है। क्वेश्चन क्या है देख लीजिएगा, लिखा है यदि 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में एक प्राकृतिक संख्या पी जोड़ दिया जाए तो परिणाम क्या हो जाता है, पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो P का मान ज्ञात करें, इसका आपको जवाब देना। काफी अच्छा क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका जवाब दे रहे होंगे। चलिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और उम्मीद करते हैं आपका सही जवाब आ रहा होगा। लॉजिकल बेस पे भी अगर आप चाहें तो इसको सोच सकते थे। क्वेश्चन नंबर आपका 110 का डी, काफी लोग का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हैं। और बोला है यदि 4 लगातार प्राकृतिक संख्या के गुणनफल में, तो शुरुआत करते हैं 4 लगातार प्राकृतिक संख्या मान लेते हैं भाई, 1 × 2 × 3 × 4 लगातार आपके होने चाहिए। तो अगर इसको गुणा करेंगे 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24 आ गया। इसमें बोला है कि एक प्राकृतिक संख्या पी जोड़ दिया जाए तो परिणाम पूर्ण वर्ग हो जाता है। ठीक है, तो भाई सीधी बात है, 24 में हम क्या जोड़ दें कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, आप बोलोगे 1 जोड़ देंगे तो ये परिणाम आपका पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप बोलेंगे सर मैं 1 से नहीं स्टार्ट करना चाह रहा हूं, मैं 2 से लगातार संख्या स्टार्ट करने वाला हूं, तो 2 × 3 × यही तो लिखूंगा, 2 × 3 × 4 × 5, तो इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 × 20 = 20 × 3 = 60, 20 × 60 = 2 = 1 120 आया, तो 120 में मैं क्या जोड़ूंगा, तब भी 1 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 121। ठीक है, आप देख रहे हैं कि पैटर्न वाइज ये क्वेश्चन बन रहा है, और देखिए पैटर्न वाइज क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। अब मैं लाख बहुत सारे क्वेश्चन करा दूं, लेकिन जब तक आप खुद अपने से दिमाग नहीं लगाएंगे, अपने से सोचेंगे नहीं, तब तक आप
फिर दिक्कत होगी आपके सामने, ठीक है। 3 चौक 12, 12 पंजे 60, 6 छंग 36, 360 आया, 360 में फिर एक जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा 361। मतलब ये आप चाहें तो पॉइंट को नोट भी कर सकते हैं। अगर कोई भी चार लगातार प्राकृतिक संख्या है, अगर मैं उसका गुणा कर दूं, ठीक है, आने वाले समय में इस पे मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, ध्यान दीजिएगा। चार लगातार प्राकृतिक संख्या का अगर आपस में गुणा किया जाए और अगर उसमें एक जोड़ दिया जाए तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ये तो कुछ भी नहीं है, मान लीजिए आपके एग्जाम में पूछ लिया गया, ध्यान दीजिएगा क्या पूछा गया। देखिए 2 2 3 3 इंटू 2 2 3 4, ठीक है, इंटू 2 2 3 5 इंटू, मतलब ये 4 हो जाएगा, 2 2 3 6 ये दे दिया, ठीक है। अब आपसे पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी, +1 यहां कर दिया और पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी, बात समझ में आ रही है। तो इस पे मैं लास्ट में आपको जब डिजिटल सम वाला क्वेश्चन कराऊंगा तो इस पे लॉजिक बताऊंगा, और इस पे क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन के भी रूप में पूछ सकता है। इनफैक्ट ये भी पूछ सकता है, क्या ये जो है क्वेश्चन, क्या ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये बिल्कुल पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि अभी आपने यही काम किया। अगर मैं चार लगातार संख्या है, अगर उसमें मैं एक जोड़ देता हूं तो क्या बन जाता है वो संख्या, पूर्ण वर्ग। और पूर्ण वर्ग बनने का मतलब ये है, वो बाहर आ जाएगा भाई, होल स्क्वायर के फॉर्म में आएगा तो बाहर आ जाएगा। तो ये संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी वैल्यूज को कैसे जल्दी फाइंड आउट करते हैं, डिजिटल सम के माध्यम से, डिजिट सम के माध्यम से। उसके लिए इसका एक पैटर्न क्या होगा, उस पैटर्न को भी याद रखेंगे। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में जरूर टकराने वाला है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जो आगे चलकर आपके एग्जाम में काम आएंगे, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा, डी, और ये आप नोट करके लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ चुके हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आ गए कहां पर, क्वेश्चन नंबर 111, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, और आराम से आप टाइम ले लीजिए 30 सेकंड का, और इसका आंसर बता दीजिए क्या आएगा। आगे चलकर ध्यान दीजिएगा, इस पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा और ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। देखिए आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रैक्टिस लगातार करते रहिए, और जो लोग सिलेबस नहीं ख़त्म किए हैं वो बाकी हमारे लोग के जो कोर्सेज हैं उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, वहाँ से आप पूरी पढ़ाई कर सकते हैं, यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ाई देखिए पूरा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा जो अच्छे से पूरी तैयारी किए होंगे। वैसे भी जो लोग सिर्फ प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो भाई सीधी बात है, फ़ायदा इसका भी मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो कॉन्सेप्ट का होता है ना, कॉन्सेप्ट वाली बात होती है कि पता चला आप पढ़ रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूंगा, कुछ अलग से अलग कुछ बदल कर आ गया तो वहां फंस गए। इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वैसे तो मैं यहाँ इतने अच्छे से आपको बता दिया हूँ, इसके अलावा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो प्रैक्टिस में नहीं कवर कराई जा सकती, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना था और टाइम ज्यादा भी हो गया, मैं आपसे बात कर रहा था। लिखा है 8958 में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि परिणाम एक पूर्ण वर्ग हो। इसको ध्यान से देखना है, पूर्ण वर्ग बोला है कि पूर्ण घन बोला है। एक क्वेश्चन अभी ऐसे ही मिस्टेक हुआ था, लेकिन थोड़ा सा किस्मत सही था, वो उसके अकॉर्डिंग भी सही था, ठीक है। तो 8958 में हम क्या जोड़ेंगे, अब ये नहीं कि देखिए अब जोड़ कर ये नहीं कि वर्गमूल निकालना है, बस यूनिट डिजिट पर आपको काम करना है। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें, 8 9 क्या आ रहा है, 17, भाई यूनिट प्लेस पे क्या आया, 7 आया। तो अगर यूनिट प्लेस पे 7 आ गया तो वो तो देखते ही एलिमिनेट कर देंगे हम, भाई कभी तो बनाएगा ही नहीं बनाएगा। अगर 69 जोड़ने पर अगर 7 बना रहा है तो सीरियस बात है यूनिट प्लेस पे 79 पे भी 7 बना रहा होगा। तो दो ऑप्शन तो तुरंत गायब, ए और डी ऑप्शन। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, बी और सी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और पूछा भी गया था एग्जाम में। 8958 में अगर मैं 67 जोड़ देता हूं तो कितना आएगा, देखिएगा 8 7 15 और 6 5 11 और 1 12, ठीक है 12 आ गया। अगर मैं 77 जोड़ता, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 77 जोड़ता तो आ जाता कितना, 35। मान लीजिए मैं 77 जोड़ता तो हमारा लास्ट डिजिट कितना आता, 35। और इसका मतलब दूसरा वाला जो पॉइंट था उसमें नहीं बताया था, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में लास्ट डिजिट कभी भी 35 नहीं होगी। इसका मतलब सी वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, सॉरी हमारा आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। हमारा आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर में जो भी लास्ट डिजिट आती है वो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में वही आती है।
ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है 67। आगे बढ़ते हैं, जो लोग पढ़ चुके हैं खासतौर से उनको तो और स्पीड में जवाब देना है, और जो लोग नहीं पढ़े हैं वो बाकी कॉन्सेप्ट को समझते चलें और जवाब देते चलें, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 15 सेकेंड का टाइम आप ले लीजिए, और याद अगर है तो तुरंत आप बता देंगे, देखते ही आप बता देंगे। वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिससे 1994 से गुणा किया जाए तो परिणाम एक पूर्ण घन हो जाए, परिणाम एक पूर्ण घन हो जाए, ठीक है। अब दो तरीका, या तो आप इसको क्या करिए, टाइम हो गया, या तो आप इसको क्या करिए, फैक्टराइज करिए, ठीक है, या तो आप दो से मल्टीप्लाई करिए अगर याद है, ध्यान दीजिएगा, अगर याद है तभी आप करना है, नहीं तो फैक्टराइजेशन सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। अगर याद है तो वो भी बेस्ट तरीका है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई के थ्रू जब भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपने 21 तक का क्यूब याद रखा है तो 21 का क्यूब क्या होता है, 9261, कितना होता है 9261, और 9261 क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है, एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। अगर दो से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिए क्या आएगा, 2 4 8, 2 9 18, 2 9 18 और 1 19 हो जाएगा, 2 1 2 1 3, तो ये तो बनाता ही नहीं, ठीक है, इसका मतलब दो वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, देखिए 3 4 12, 3 9 27 और 1 28 हो जाएगा, 3 9 27 2 29 हो जाएगा, 3 1 3 2 5 हो जाएगा, 5982 भी होता है क्या, ये भी नहीं होगा, इसके अलावा 3 से भी नहीं बना। अब 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 4 24, ठीक है, 6 9 36, 36 और 2 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, 6 9 36 3 39 और 6 1 6 3 9, भाई सीधी बात, आप ये तो काफी आगे निकल गया है, इसका मतलब मुझे यहाँ पर फैक्टराइजेशन ही करना पड़ेगा, या तो अगर आपने 25 तक का क्यूब याद रखा हो तो उसके बिहाफ पर आप तुरंत देख के पता लगा लेंगे, ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करें, आप लोग का आंसर क्या रहा है, फिलहाल सी ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब 9984 जो आपका आया था ये किसका, ये किसका क्यूब है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर 9984 आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं आपका बना रहा होगा 24 का क्यूब ना, 24 का क्यूब शायद बना रहा होगा, क्योंकि इसका क्यूब अगर आप करेंगे तो यूनिट प्लेस पे आपका 4 ही आएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर याद है इसीलिए 1 से लेकर 25 तक का क्यूब हो सके तो आप याद कर लीजिए, वहां के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। चलिए तो क्या करा जाए, 1994 आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, और फैक्टराइजेशन कैसे करना है बताता हूं। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, इसको आप क्या करिए, 4 से एक बार काट दीजिए, 8 से कटेगा क्या, 8 से अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका 8 से नहीं कट पाएगा, हाँ 8 से नहीं कट पाएगा, 8 छक्के क्यों ले रहा था, क्योंकि परफेक्ट क्यूब नंबर लेना है, तो 4 से काट लेते हैं पहले, 4 4 16 हो जाएगा, ठीक है, 4 9 36 और अच्छा 4 से भी नहीं कटेगा, सॉरी 4 से भी नहीं कटेगा, तो बचा क्या, इसको 2 से काट लीजिए पहले, 2 9 18 हो जाएगा, ठीक है, 2 9 18 और 2 7 14, 997 आ गया, 997। 1994 में पूछा है कौन संख्या इसमें गुणा किया जाए कि परिणाम एक पूर्ण घन हो जाए, आप बताइए भाई अब ये किससे कटेगा, ये आप किससे कटेगा, ये तो आपका एक क्या है आपका 2 9 18 हो गया, 2 9 18 और 2 7 14, 997। 997 तो आपका क्या होता है, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है, ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है, इसका फैक्टराइजेशन देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। ये तो शायद क्वेश्चन मुझे कुछ गलत लग रहा है, ठीक है, इसमें बोला है ना कि बाकी लोग का जो आ रहा है वो लोग कमेंट कर सकते हैं,
यहाँ पर जो क्वेश्चन है 112 नंबर जो क्वेश्चन है लिखा है, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिससे 1994 से गुणा किया जाए तो परिणाम एक पूर्ण घन हो जाए। ठीक है, तो 2 से 3 से तो बन ही नहीं रहा था, और 6 से भी करने पर ये नहीं बन रहा है। ठीक है, 6 से भी अगर आप करोगे तो 6 चौक 24, 6 9 9 6 54 ना, 54 हो गया, 54 और 2 56, भाई ये भी तो नहीं बन रहा है, 6 से भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी नहीं बन रहा है, नहीं हो रहा है ना। इसका मतलब आप लोग तो किस बेस पे 6 बता दिए ये नहीं समझ में आया भाई, किस बेस पे आपका 6 आ रहा था, क्योंकि अगर 1994 में अगर आप 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका आ रहा है 11,966, और अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर एक पूर्ण घन संख्या है तो यूनिट प्लेस पे ध्यान दीजिएगा, यूनिट प्लेस पे 4 तभी आएगा, तो इसका मतलब 24×24 होना चाहिए था 3 बार, लेकिन वो तो आपका आता 13,824, तो ये तो गलत आ रहा है। ठीक है, और अगर आप फैक्टराइज भी कर रहे हैं तो वहां से ये बन ही नहीं पा रहा है, तो इसका ऑप्शन तो मुझे भाई गलत लग रहा है, बाकी आप लोग एक बार देख लें, कमेंट जरूर करें जो भी आपका आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में वो दिख नहीं रहा है, आप ऐसे देख लो ना खुद ही, 1994 को जो अभी हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जब 2 से आप इसको काटोगे तो आएगा, देखिए 2 9 18 2 9 18 और 2 7 14, और 997 क्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, इस पे क्वेश्चन बनता भी है और पढ़ाया भी है, जब आगे आप पढ़ेंगे तो वहां पर बताया भी जाएगा, और 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 101 होती है, तो सीधी सी बात है ये ऑलरेडी एक अभाज्य संख्या है, तो इसका कोई फैक्टराइजेशन हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, इसका अगर आप पूर्ण घन संख्या ढूंढ रहे हो तो सीधी सी बात है इसका आंसर यहां पर क्या है, गलत है। पूछा है ना, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिससे 1994 से गुणा किया जाए तो परिणाम एक पूर्ण घन हो, तो ये ऑप्शन आप एक ऑप्शन बना लीजिएगा, क्या नन ऑफ दीज, क्या बना लीजिएगा नन ऑफ दीज, तो यही आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। अच्छा, हिंदी में मिस्टेक है, सॉरी इंग्लिश पे तो हम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, 1994 है, और क्वेश्चन में हमेशा और बोला भी जाता है, मैं बोलता भी, देखो मैं खुद ही नहीं ध्यान दे रहा हूं और आप लोग भी नहीं ध्यान दे रहे हैं, कि भाई इंग्लिश वाला जो वर्ड रहेगा वही मान्य है, इनफैक्ट इंस्ट्रक्शन में भी पेपर में लिखा रहता है, तो 1944 है। ठीक है भाई, देखिए अगर 1994 है तो उसके अकॉर्डिंग तो नन ऑफ दिस था, तो इसको आप देख लीजिएगा, यहाँ पर 1944 है, इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग चेक कर लेते हैं, तो 1944 में अगर आप ध्यान से देखें, इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए, अभी आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, और ये 8 से कट जाएगा, अब आ सकता है 8 × 2 = 16 और 8 × 4 = 32 8 × 3 = 24। ठीक है, अब ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 27 से भी कट जाएगा, अगर आप 27 से करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 9 से काट लेते हैं, एक बार 9 से काट लेते हैं, 9 हाँ दो एक एक ध्यान दीजिएगा, बड़ा आसान है, 243 अभी आपने पढ़ा भी था, 243 जो होता है वो 3^5 होता है, तो हमें क्या चाहिए, हमें पूर्ण घन चाहिए, तो 8 ऑलरेडी पूर्ण घन है, और 3^5 से अगर मैं 3^3 निकाल लूं तो 27 भी क्या है पूर्ण घन है, तो बचेगा कितना, 3 का स्क्वायर, क्या बचेगा 3 का स्क्वायर 9, आ रहा समझ में, इसका मतलब भाई तब भी तो यहां दिक्कत हो रही है, इसका मतलब यहां पर 3 होगा भाई, 3 का स्क्वायर मतलब 9 बचा, तो 1 3 की आपको और जरूरत पड़ेगी तभी तो आपका पूर्ण घन बन पाएगा, तो यहां पर जो हमारा आंसर है बी ऑप्शन है, क्या है बी ऑप्शन है, हाँ बिल्कुल। अब देखिए यही चीज था, अगर 1944 लेते हैं ना, अगर 21 तक का क्यूब आप याद किए होते, फिलहाल इतना बड़ा पूछता नहीं है, 21 तक का भी क्यूब, अगर 25 तक का भी क्यूब याद है, आप मल्टीप्लाई करके तुरंत पता लगा लेते, जैसे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे वहां पर गलत आ रहा था, अब 3 से अगर करूंगा तो कितना आएगा, 3 × 12 3 × 12 और 1 13 3 × 9 = 27 और 1 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, और 3 × 1 = 3 = 2 = 5 58 32 क्या होता है, एक परफेक्ट क्यूब नंबर है जो कि 18 का क्या होता है क्यूब होता है, बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा बी ऑप्शन, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसीलिए देखिए यही होता है कि एग्जाम में भी अगर
कुछ डिजिट्स बदल जाते हैं तो वहां पर इंग्लिश लैंग्वेज ही मान्य होता है, तो इंग्लिश में आप जरूर डिजिट्स को जरूर चेक कर लिया करिए। जैसे यहां पर हमारे लोग का ध्यान नहीं गया, वैसे आपके साथ भी हो सकता है काफी लोग का ध्यान नहीं गया। कुछ लोग बताए कि सर यहां पर आपको वहां पर ध्यान देना चाहिए था, ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे तो तुरंत हो जाएगा, देते तो हो जाता सभी का, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर पूछा है वह न्यूनतम प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिससे 3000 में भाग देने पर भागफल, ध्यान दीजिएगा भागफल क्या है, एक पूर्ण घन है, ठीक है। इतने क्वेश्चन में खुद ही करा दे रहा हूं कि आपका पूर्ण वर्ग पूर्ण घन पे कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बताइए जल्दी जल्दी बताइए, टाइम यहां पर एकदम ज्यादा नहीं लेना है। चलिए 3000 में आपको किससे भाग देना है कि भागफल एक पूर्ण घन है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सोचिए 114 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं और इसका आपको जवाब देना है, ठीक है। और जितने लोग देर से सेशन को ज्वाइन किए हैं, बहुत सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं उनको आप जरूर देखें, बहुत सारे आपके जो टॉपिक्स हैं छूट गए हैं तो उनको जरूर आप रिवाइज करिए जाकर चैनल पर। 114 का आंसर आपको बताना है क्या आएगा। टाइम चल रहा है, टिक टिक करके आपका टाइम चलता जा रहा है और जल्दी से आपको बताना है आंसर क्या आएगा। 114 का आंसर क्या होगा, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n क्या है जिसके लिए 864 गुणे n तक पूर्ण घन है। ध्यान रखिएगा यहां पर आपका क्वेश्चन है पूर्ण घन, ठीक है। चलिए कितना आंसर आ रहा है फिलहाल आप लोग बताइए। सी मतलब 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपका एक पूर्ण घन बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं, डायरेक्ट आपके कहने पर ही डायरेक्ट हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 से अगर n की वैल्यू 3 है तो भाई सीधी बात है मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, परफेक्ट क्यूब नंबर आना चाहिए। तो 3 चौक 12, 3 संग 18 और 1 भाई 19, 3 8 24, 24 और 1 2592, 2592 परफेक्ट क्यूब नंबर है। सही में लग तो नहीं रहा है भाई, कुछ लोग बी बता रहे हैं। चलिए 2 से कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से तो बन नहीं रहा मेरे ख्याल से, 3 से तो होगा नहीं परफेक्ट क्यूब नंबर, 2 से करूंगा देखिए क्या आएगा। 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 8 16 और 1 17, बिल्कुल यही आंसर है जो कि 12 का क्या है क्यूब है, जो कि आपका क्या है 12 का क्यूब है। और इसी बात पे मैं एक बात आपको और बता दूं, ठीक है, 1728 जो है 12 का क्यूब है और अगर इसी में अगर आप एक जोड़ देते हैं, एक का क्यूब जोड़ देते हैं तो हमारा आता है 1729, और जो 1729 होता है इसी को हम लोग बोलते हैं रामानुजन नंबर, रामानुजन नंबर संख्या, जो रामानुजन थे उन्हीं के नाम पर रामानुजन नंबर जो बनाया गया 1729, एक क्या है रामानुजन नंबर है। ध्यान रखिएगा कभी कभी पूछा जा सकता है, कभी कभी क्विज में भी मैंने क्वेश्चन ये पूछा भी है 1729, ठीक है। दो संख्याओं का क्यूब 12, दो संख्याओं का जो क्यूब होता है, जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम रामानुजन नंबर बोलते हैं, 1729। हाँ बिल्कुल 1729 क्या है रामानुजन संख्या है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 115 पर, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। और 3 पॉइंट्स मैंने आपको बता रखे हैं, लिखा है 5 अंकों की वह अधिकतम संख्या क्या है जो एक पूर्ण वर्ग है। चलिए कितना टाइम लेंगे देखते हैं कितने लोग हैं जो तुरंत जवाब देंगे, ठीक है। टाइम स्टार्ट हो गया है और देखते हैं कितना टाइम आप ले रहे हैं। सबसे पहले आंसर किसका आता है, एक सौ पंद्रह का सी, देखिए एक लोग का आ चुका है आंसर,
115 का सी बता रहे हैं और बाकी लोग डी। 115 का डी, बिल्कुल 100 डी होगा, 115 का डी। चेक करिए भाई आप सभी लोग, देखा जाए। चलिए यहां पर देखिएगा, इसका होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता भाई, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, सबसे बड़ी संख्या है। और ध्यान रखिएगा, इसमें आपसे फंसा सकता है, ऐसा भी हो सकता है आपके सामने दो ऑप्शन हो, दो ऑप्शन मिला और आपने चेक कर लिया भाई हमारा डी ऑप्शन आ गया, और पूछा क्या है यहां पर, पांच अंकों की वह अधिकतम संख्या क्या है जो एक पूर्ण वर्ग हो। ऐसा हो सकता है कि आपके ऑप्शन में, बहुत ध्यान सुनिएगा, ऐसा हो सकता है कि आपके ऑप्शन में दो क्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो, और जल्दबाजी में आप जो पूछा नहीं है वो लगा दिया। ठीक है, आपने सही तो सोचा था लेकिन इसका आपने इंपॉर्टेंस नहीं समझा, एक जो ये वर्ड लिखा ना अधिकतम, इससे आपका क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। और मैं भी शायद आप में भी काफी लोग गलत कर गए हूं, चेक किया जाए। चलिए इसको तो देखते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं ना, क्योंकि लास्ट डिजिट कभी भी 99 तो आएगी नहीं। यहां पर आते हैं, लास्ट डिजिट 76 आती, हाँ आती है, 64 भी आती है, 56 भी आती है। ठीक है, इसका मतलब हमें तीसरे पर आना है, डिजिटल सम पर। तो डिजिटल सम पर आपने देखते हैं तो 99 जहां भी रहता है उसको काट देते हैं, तो 7, 6, 13, और 13 में अगर मैं फिर जोड़ दूंगा क्या आता है, 4 आता है, 4 आता है। यहां देखते हैं, यहां पर अगर देखा जाए तो 9, 9, 8, 5, 13 और 13, 6 कितना हो जाएगा, 19। ठीक है, 13, 6, 19, मतलब यहां पर एक आ रहा है। यहां पर अगर देखा जाए, यहां पर आपसे 99 ये कट जाएगा, ठीक है, 6, 4, 10, 9 कटा 1, यहाँ 8 आ जाएगा। इसका मतलब जो लोग D बता रहे हैं, D तो वैसे नहीं होगा, D में आपका क्या रहा है, 8 आ रहा है, D में आपका कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो डिजिटल सम जिनका भी 8 आता है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है, ये आपको अच्छे से पता होगा। और आपको मैंने कल की क्लास में बताया भी था कि जो आपका डिजिटल सम अगर ये आ गया, जैसे आपका 8 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, ठीक है, उसके अलावा क्या था, 5 था, 7 था, ठीक है, और 9 था, ये सारी संख्याएं जो होती हैं ये आपका, हाँ 2, 3 था, 3 था, देखिए 9 नहीं था इसमें, 2 था, 3 था, 5 था, 7 था और 8 था। ठीक है, और निकाल भी सकते हैं, निकालने का भी तरीका बताया था, वहां चेक कर सकते हैं आप। तो अगर ये संख्याएं दिख रही हैं डिजिटल सम में तो कभी भी वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन जो लोग बता रहे थे वो गलत था। अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचे हैं, सी ऑप्शन और बी ऑप्शन, क्योंकि एक भी हो सकता है और चार भी हो सकता है। अब क्या किया जाए भाई, अब क्या किया जाए, 115 का सी, काफी लोग बता रहे हैं 115 का सी, फिलहाल देखते हैं, ट्राई करते हैं, क्योंकि आपका यहां पर तो भाई तीनों ही तरीका फेल हो चुका है। अब क्या किया जाए, तो अब देखते हैं यहां पर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो अगर लास्ट डिजिट 76 आ रहा है, 76 कब आता है आपको भी पता होना चाहिए, 24 का स्क्वायर में, वहां से भी नहीं बन पाएगा, इसको फिर आपको निकालना ही पड़ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, वर्गमूल इसका निकाल लीजिए, 998 और 56। ठीक है, तो वर्गमूल निकालना आता है नहीं सभी को भाई, तो इस तरीके से आप क्या करिए, दो का पेयर बनाया और यहाँ पर पहली बार क्या ले जाएंगे, 3 बार ले जाएंगे, 3 3 का 9 हो गया। ठीक है, शायद काफ़ी लोग को नहीं आता होगा, फिर 98 उतारते हैं, फिर यहाँ से 3 जोड़ा, 3 3 6, फिर आप ले जाएंगे कितनी बार, 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार लेकर जाते हैं, 1 बार लेकर गया, 1 6 6 61 आ गया, 8 में से 1 गया, 7 3 37 आ गया, और 37 और 56, 37 56 आ गया है, 37 56, यहाँ से फिर क्या करते हैं, फिर 1 लिख कर जोड़ दिया, 62। अब देखते हैं, तो 56 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 6 बार ले जाते हैं, 6 6 36, 6 2 12, 12 3 15, 6 6 36 137, बिल्कुल ये कट गया, और हमारा जो आंसर है फिलहाल यहाँ पर सी ऑप्शन आ चुका है। और जब सी ऑप्शन आ चुका है तो सीधी बात है, बी ऑप्शन तो होने का सवाल ही नहीं उठता, बी ऑप्शन आपका होने का सवाल ही नहीं उठता। और दूसरा लॉजिक मैं बताता हूँ, देखिए करते करते लॉजिक याद आ रहे हैं, क्या है समझिएगा, 9 के स्पेशल केस में आपने पढ़ा होगा कि अगर आपके लगातार 9 वाले नंबर्स आते हैं, ठीक है, तो अगर 3 अंकों का है तो आप क्या करिए, जो भी संख्या अगर 9 में है तो आप क्या करिए, इससे एक कम कर दीजिए, 9 9 8,
और उसके बाद फिर क्या करिए, इसमें से आप घटा लीजिए, 9 में से 9 गया 0, ठीक है, फिर 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1, तो आपका जो ये आया कितना आया, 9, 998, 001, ऐसा करके संख्या आ गया, ये 5 अंकों की संख्या है। तो यहां पर जो हमारा नंबर आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। और 99976 आने का सवाल उठ रहा है क्या, कुछ हो सकता है पॉसिबिलिटी। और अगर मैं 99 110 का स्क्वायर देखता हूं, 110 का स्क्वायर, 110 का भी नहीं बन पाएगा, 150, तो ये बनेगा कितना, 225, 20, तो ये भी नहीं बन पाएगा। इसका मतलब हमारा ये बनेगा कितना, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए फिलहाल तो यहां से थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और हाँ, 316 का स्क्वायर होगा, तो आप इस तरीके से निकाल लीजिएगा, क्योंकि फिर लॉजिक लगाएंगे फिर टाइम लगेगा, ठीक है, लॉजिक लग तो जाएगा, लेकिन यहां पर फिर एग्जाम में 3 जो लॉजिक थे उस पे तो आपका ये फेल हो गया था, 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट भी कर लिया था, ठीक है, 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर लिया था, बाकी जो आपका था 2 ऑप्शन ए फंस गया था मामला, मतलब 50% चांसेज आपके हो गए थे, और 50% चांस में फिर आपको ये करना था, टाइम नहीं है तो भाई रिस्क तो ले ही सकते हैं 2 में, और बाकी फिर आपको वर्गमूल निकालना भी आना चाहिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर, क्वेश्चन नंबर सर सॉरी 116 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, और इसका जवाब आपको देना है, आसान क्वेश्चन है, 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, क्योंकि ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है जो आपने याद भी किया होगा, इसका जवाब बताइए क्या होगा, 1000 में से वह कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि परिणाम एक क्या जाए, परिणाम एक पूर्ण वर्ग हो, बताइए फटाफट। हाँ, 999 76 नहीं हो रहा है, ठीक है, चलिए इस पे ज्यादा टाइम लेना नहीं है, 1000 में से वह कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि परिणाम एक पूर्ण वर्ग हो, ध्यान दीजिएगा पूर्ण वर्ग, चलिए 1000 में अगर मैं 37 घटाता हूं कितना आएगा, 37 अगर घटाऊंगा तो सीधी बात है 10 में से 7 गया 3, भाई यूनिट प्लेस पे अगर 3 आ गया तो वैसे भी ये आपका क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। 38 घटा दिया जाए, 10 में से 8 घटाऊंगा तो 2 आएगा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 अगर घटाऊंगा तो कितना आएगा, 1 आया 6, 61 आ सकता है, यहां पर देखिए 40 अगर घटाऊंगा तो आएगा 960, क्या 960 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या, ये भी नहीं है, अगर 1000 में 39 आप घटाओगे तो आपका आएगा 961, जो कि किसका है भाई, 31 का स्क्वायर है, आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन, ठीक है, याद होना चाहिए, याद अगर होगा तो इसी तरीके से आप स्पीड बना सकते हैं, बिल्कुल 116 का सी। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 117, चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और पूछा है 4 अंकों की वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है, जो एक पूर्ण वर्ग है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा, एक सौ सत्रह का सी आ रहा है काफी लोगों का, और देखते हैं आपका क्या आता है, जो लोग किए हैं और जिनको नहीं आया वो भी देखते रहे, देखिए मैंने साफ साफ बोला है अगर याद करे रहेंगे तो आप ऐसे क्वेश्चन को 5 सेकंड 2 सेकंड के अंदर निपटा सकते हैं, ठीक है, चलिए 31 का स्क्वायर याद है 961, अभी आपसे मैंने बोला था जो लोग 31 तक याद किए 31 तक, अब उससे आगे याद करने की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी, पड़ गई कि नहीं, तो पड़ गई, तो इसीलिए आपको कम से कम 60 तक का तो स्क्वायर याद होना चाहिए, 961 है नहीं तो मैं 32 के स्क्वायर में आऊंगा, 32 का स्क्वायर हमें तो भाई याद है कितना, 1024, कितना होता है 1024, और यही क्या है, सबसे छोटी न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या है,
ठीक है, आगे बढ़े। 2 सेकंड का क्वेश्चन था कि नहीं, अगर याद होता तुरंत कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल वो भी आप देखिए लॉजिक लगा सकते हैं, लेकिन फिर वही बात हो गई ना, सबसे अच्छा क्या, अगर याद है तो आपका स्पीड तो भाई तुरंत बन जाएगा। अगर मान लीजिए उस लॉजिक पर आते हैं तो ये भी आपका देखिए यूनिट डिजिट यहाँ पर भी बना रहा है, मतलब यहाँ पर भी दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर अगर आएंगे तो भाई इसका डिजिटल सम 8 आ रहा है तो ये नहीं होगा, इस ये भी नहीं होगा, तो डिजिटल सम से आपसे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। यहाँ पर अगर डिजिटल सम पर आएंगे तो ये भी है और ये भी है, क्लियर है कि नहीं है, तो कहीं ना कहीं 2 ऑप्शन फिर फंस जाएंगे। फिर वही है, या तो है भाग विधि से आप पूरा निकालो, अगर याद है तो भाई उससे बेस्ट क्या है। तो यहाँ पर फिलहाल 1024, अब ये आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 में आपको बताना है वही जो अभी तक आप कर रहे हैं, 120 और 300 के बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। और इस पे मैंने क्वेश्चन आपको कराया भी था शुरुआत में, आज का जो पहला ही क्वेश्चन था इसी टाइप का था, और इसका आपको जवाब देना है कितना आपका आंसर आएगा यहाँ पर। कितना आंसर आया भाई बताइए। चलिए 118 का सी बताया जा रहा है 7, देख लिया जाए, बड़ा आसान है। इसका तरीका लॉजिक क्या बताया था मैंने, सबसे पहले यह पता करिए कि 300 के पास 17 का स्क्वायर होता है 289, 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का होता है 324, तो 18 चेक ही नहीं करेंगे। इसका मतलब मुझे 17 तक का स्क्वायर ही देखना है। और इधर से अगर आप ध्यान से देखें 120 पे अगर आप आते हैं तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 क्या क्या हो जाता है 121, और पूछा है 120 और 300 के बीच में, इसका मतलब 10 हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो 17 में से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा 10, तो आंसर कितना आया 7, क्योंकि उनके बीच में आपको यह पता लगाना था कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो कितनी संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या, हाँ सभी का जवाब सही है भाई, इसका मतलब आप अच्छे से कर रहे हैं। और जो लोग देर से ज्वाइन किए उन्हीं को शायद थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, लेकिन जो लोग शुरुआत से ज्वाइन किए हैं आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे हैं। चलिए बताइए, आप इसमें ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, बताइए जल्दी से, 15 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूं, बताइए क्या आएगा आंसर। 675 को किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए कि परिणाम एक पूर्ण घन हो। तो एक बार 3 से कर लो, 5 से कर लो, कितना आया यहां पर देखिएगा ध्यान से, यहां पर 675 को किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए कि परिणाम एक क्या हो जाए, पूर्ण घन हो जाए। ठीक है, तो अगर आप इसको 25 से काट लीजिए तो कितना आएगा, 25 दूनी 50 और 25 सत्ते 175, 27 एक क्या है, पूर्ण घन संख्या है, 25 आपका पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो वो छोटी संख्या क्या होगी, 5। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, हाँ ठीक है। बाकी आप 5 से अगर गुणा करते तो आता कितना, 5 5 25, 5 7 35, 35 2 37, 5 6 30 और 30 और 3 33, तो 33 जो 75 होता है ना, ये क्या होता पता है, ये आपका होता है 15 का क्यूब होता है, ध्यान रखिएगा 33 75, इसी बहाने आपको याद भी हो जाना है, 33 75 जो होता है 15 का क्यूब होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 120 पर, 120 नंबर क्वेश्चन, ये तो भाई इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इसमें तो मैं आपको सिर्फ 10 सेकंड का टाइम दूंगा, ठीक है, वैसे तो ये 2 सेकंड का क्वेश्चन है। 1720 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि परिणाम आपका क्या जाए, पूर्ण घन हो, परिणाम आपका पूर्ण घन हो। क्वेश्चन नंबर 120 तक पहुंच चुके हैं आप, बताइए फटाफट इसका आंसर। चलिए यहां देखिएगा, परिणाम क्या है, पूर्ण घन, 1728 अभी आपको याद था, 1728 क्या होता है, 12 का क्यूब होता है, तो कितना जोड़ूंगा 1720 में, 8,
ठीक है, और याद भी हो जाना चाहिए 12 का क्यूब 1728, 1728। बताइए जल्दी से, 4320 में किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त परिणाम एक पूर्ण घन हो, प्राप्त परिणाम एक पूर्ण घन हो। तो इसको आपको फैक्टराइज करना ज्यादा सही रहेगा, आप फैक्टराइज करके बता दो इसका आंसर क्या आएगा। इतने क्वेश्चन में खुद ही करवा दे रहा हूं कि कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं। कितना आएगा आंसर? 8। 8 तो ऑप्शन था नहीं, अच्छा पिछला ऑप्शन था। 4320, चलिए फैक्टराइज किया जाए। 4320 को आप फैक्टराइज करना है, कैसे फैक्टराइज करोगे? 4320 को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 8 से इसको काट सकते हैं। तो अगर मैं इसको 8 से काटूंगा तो ये आपका आएगा कितना? 8 × 5 = 40, 8 × 4 = 32, ठीक है। और ये होता है क्योंकि हमें पढ़ाना है पूर्ण घन। 8 से मैंने क्यों काटा, ध्यान दीजिएगा, वैसे तो कई लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य संख्या से काटते हैं, लेकिन 8 काटने का रीजन ये था क्योंकि हमें पूर्ण घन को अलग करना है, तो 8 ऑलरेडी एक पूर्ण घन संख्या है, तो 8 की वैसे ही कहानी खत्म। 54 दिखा तो 54 में मुझे पता है भाई 27 × 2 होता है, तो इस 27 की भी कहानी खत्म, भाई 27 की भी कहानी खत्म, क्योंकि ये दोनों ही पूर्ण घन थे। हमें तो वो चेक करना है जो पूर्ण घन नहीं बना रहा है, तो 1 2 यहां छूट रहा है और 1 10 यहां छूट रहा है, तो 10 × 2 = 20, 10 × 2 = 20 का मतलब कितना हो गया? 4 × 5 = 20, ठीक है। 4 × 5 का मतलब क्या हो गया? 2 × 2 ये हो जाएगा और 5 हो जाएगा। इसका मतलब मुझे 2 2 5 की जरूरत है, 2 5 की जरूरत है और 1 आपको 2 की जरूरत है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें किससे गुणा करना चाहिए? हमें इसमें गुणा करना चाहिए 2 5 से, 2 5 और 1 2 से, मतलब 25 × 50। आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन, ठीक है ना, 121 का बी, बिल्कुल सही। 121 का क्या आएगा? बी आएगा, बिल्कुल सही जवाब है। और सभी लोग भाई देखिए क्वेश्चंस करते रहिए और सभी को बताते चलिए, ठीक है। फिलहाल ये आपका टाइम यहाँ पर आज खत्म होता है, आगे फिर हम लोग कल देखेंगे। और ये सारे आपने पूर्ण घन पूर्ण वर्ग पे क्वेश्चन किए, कल हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सिंप्लीफिकेशन में आप लगभग यहाँ पर 200+ क्वेश्चन करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं आने वाला है। और उसके बाद फिर हम लोग अलजेब्रा हो गया, नंबर सिस्टम, बारी बारी से हम लोग चैप्टर वाइज सारे चैप्टर्स को, हर क्वेश्चन को, हर टाइप्स को कम्प्लीट करते चलेंगे। और कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लिखा भी है देखिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके सिलेबस में, मैथ्स के सिलेबस में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, तो भाई अगर है तो इससे बाहर नहीं आने वाला है। और अलग से आप पूरा डिटेल में अगर कोर्सेज को मतलब परचेज करना चाह रहे हैं या देखना चाह रहे हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी सकते हैं और बाकी भी जो प्रैक्टिस बैच चल रहे हैं उनको भी आप देखिए और एंजॉय करिए और मन लगाकर पढ़ते चलिए, ठीक है। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।